अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और परफेक्ट सा समोसा पट्टी रोल पट्टी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है इनको बनाना और आसानी के साथ आप घर में बग़ैर मेहनत के बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी समोसा पट्टी रोल पट्टी बना सकते हैं। बाज़ार से लाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप चक्की का आटा व्हीट फ्लावर जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं वो लिया है। अगर आप चाहें तो टोटल 3 कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आटा नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। तो पानी हमने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, ना तो ठंडा और ना ही गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर टैप वाटर पानी लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो इसका हमने अच्छा सा सख्त सा डो तैयार करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको गूंद लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं किचन विद तहमिश के नाम से। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका मैंने सख्त सा डो तैयार कर लिया है। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ समोसा फोल्डिंग और रोल फोल्डिंग के कुछ तरीके भी शेयर करूंगी। तो इस तरह का सख्त सा डो हमने बनाना है। पानी मैंने लिया था 1.5 कप, जिसमें से 1/4 कप पानी बचा है, तो 1¼ कप पानी जो है इसको बनाने में यूज़ हुआ है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको हल्का सा गूंद लेंगे आधे से 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए डो को मत रखिएगा, वरना फिर वो रखे रखे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए इसको रखेंगे। और इस तरह से हल्का सा इसको दोबारा से पंच डाउन कर लेंगे। अब हम डो को इस तरह से काट लेंगे 2 हिस्सों में, और इसका इस तरह से एक बॉल बना लेंगे बड़ा सा। और बाकी की जो डो है उसको हम कवर करके रखेंगे। किचन काउंटर पे मैदा छिड़केंगे और इसके बाद इस पे हमने जो बॉल बना के रखा था वो रख लेंगे, और इसको हाथ की मदद से पहले हल्का सा प्रेस कर लेंगे, फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोलर की मदद से, बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। और इसमें शेप मैटर नहीं करती है, बस आपको इसको बहुत बड़ा सा बेलना है, गोल बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा मर्ज़ी बेलें लेकिन बड़े साइज़ का इसको बेल लेंगे। बहुत आसान है ये समोसा पट्टी रोल पट्टी बनाना, इसमें आपको बहुत सारे पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बेलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान टेक्निक के साथ हम एक ही दफ़ा में पूरा इसको इस तरह से बड़ा सा बेल लेंगे, और इसके बाद इस तरह से कोई गोल बर्तन लेंगे और फिर इसको हम काट लेंगे। तो आप बर्तन का साइज़ देख सकते हैं, हाथ के अंदाज़े से आपको पता चल रहा होगा कि बर्तन का साइज़ कितना है। एक छोटी चपाती के साइज़ का बर्तन आपको लेना है गोल, और इस तरह से इनको काट लेना है। इस तरह से आपकी मेहनत भी नहीं होगी कि अलग अलग पेड़े बनाएं, अलग अलग बेलें, और सारे ये जो सर्कल्स हैं ये इक्वल बराबर साइज़ के कटेंगे। अब हम इनके ऊपर डालेंगे ऑयल, एक पीस को छोड़ते हुए बाकी सब के ऊपर हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इतना डालेंगे कि पूरे इसके ऊपर अच्छी तरह से फैल जाए। इसके बाद हम इसको ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से पूरे के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। किनारों पे बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा, वरना फिर किनारे खुलने में मुश्किल होगी जब पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। 4 के ऊपर हमने ऑयल लगाया है, 5वें को खाली छोड़ दिया है। अब हम इनके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद हम इन सब को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे।
और आखिर में वो वाला सर्कल हम रखेंगे जिसके ऊपर हमने ऑयल या मैदा डस्ट नहीं किया है। और एक वक्त में आप इसी तरह से 4 से 5 सर्कल को बनाएं, इससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा वरना फिर आपको इसको बनाने में मुश्किल होगी और पट्टियाँ टूट सकती हैं। तो एक वक्त में आपको 4 से 5 सर्कल को इस तरह ऊपर नीचे रख के और बनाना है। मैदा डस्ट करके इसको दोबारा से बेल लेंगे और बेलते हुए ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दबा के मत बेलिएगा, हल्के हाथ से बेलेंगे। अगर आपने ज़्यादा दबा दिया तो वहाँ से जब पट्टी बनेगी तो टूटने का डर हो सकता है, जब आप इसको खोलेंगे तो खुलते हुए वो टूट सकती है। तो हल्के हाथ से चारों तरफ से अच्छी तरह बराबर बेलेंगे और फिर इसका मैदा इस तरह से झाड़ लेंगे जो एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं किनारों पे इस तरह से इसकी परत आपको नज़र आ रही है। यहीं से हम जब पकने के बाद खोलेंगे तो फिर इसको खोलेंगे। तवा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम गर्म होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर अपनी पट्टियाँ जो है वो पकने के लिए डाल देंगे और इसको आधे से 1 मिनट लगेगा एक साइड को पकने में और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। जब आपको इस तरह से एक साइड से लगे कि हल्का कुक हो गया है तो इसको पलट देंगे और दूसरी साइड को भी आधे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये रोटी की तरह पक जाएगा। और फिर हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह से जो बाकी डो थी उसकी भी तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी समोसा पट्टी रोल पट्टी कितनी आसानी से अलग हो रही है। इस तरह से हम सारी पट्टियाँ अलग कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं। और बनाने के बाद आप इनको किसी कपड़े से कवर कर लीजिएगा वरना ये हवा से खुश्क होके ड्राई होके टूट सकती हैं। और इस तरह से आप एज इट इज़ इनसे रोल बना सकते हैं बगैर काटे। इस तरह से इसमें फिलिंग करें और इसका रोल तैयार कर लें। और अगर आप काटना चाहते हैं तो फिर आप इसको काट के भी इसकी रोल पट्टी बना सकते हैं। तो एक स्केल की मदद से और छुरी की मदद से हम इसकी साइड्स जो हैं वो उतार लेंगे चारों तरफ से। और इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम फ्राई करेंगे और इसको हम चना चाट में पापड़ी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी खा सकते हैं। चारों साइड से इसको उतार लिया है, ये हमारी कटी हुई रोल पट्टी बनके तैयार हो गई है। और इसको हम कवर करके रखेंगे वरना ये ड्राई होके टूट सकती हैं। और आधी पट्टियों को बीच में से काट लें तो ये आपकी समोसा पट्टी बनके तैयार हो जाएंगी। तो हमारी समोसा पट्टी रोल पट्टी बनके तैयार है। अब मैं आपको समोसा फोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, इसमें फिलिंग डालेंगे और इस पर कोई भी स्लरी लई लगा के पेस्ट जो हम बनाते हैं इसको चिपकाने के लिए वो लगा के हम इसको समोसा बना लेंगे। और एक तरीका मैंने समोसा रोल करने का आपके साथ पहले शेयर किया था और जो कटी हुई रोल पट्टी है उससे हम इस तरह से समोसा रोल बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।